हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक कलर के ऊन का डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, इसे बच्चे बड़े किसी के भी डिजाइन में डाल सकते हैं, फिर स्वेटर में, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो या बच्चे हो, किसी के में भी डालेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। केवल एक रंग की डिजाइन ऊन का डिजाइन है ये, तो मैं आपको इसको मैं बताती हूँ। 6 के मल्टीप्लाई में हमने इसमें फंदे लेने हैं, 6 फंदों का एक डिजाइन बनेगा ये, तो 6 के मल्टीप्लाई में लेने हैं, प्लस 2 फंदे, एक पहला और आखिरी 2 फंदे और प्लस करें, तो मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं, 6 × 3 = 18 फंदे हमारे डिजाइन के और एक पहला और आखिरी, तो हमने 20 फंदे इसमें लिए हैं। अब मैं आपको डिजाइन बनाना बताती हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है, इस डिजाइन की शुरुआत अब करते हैं। ऐसे पहला फंदा हम स्लिप कर देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, पहले 2 फंदे उल्टे लेंगे धागा आगे करके, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, तो ये हमारा 6 फंदों का एक डिजाइन का आ गया, ये अलग है और ये 6 फंदे, फिर 2 फंदे उल्टे दूसरे डिजाइन के, शुरुआत के 2 फंदे उल्टे लिए जाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, धागा करके 2 उल्टे, तो ये दूसरे डिजाइन के आ गए, और फिर 2 फंदे उल्टे, ये तीसरा जो डिजाइन शुरू होगा, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, और ये जो लास्ट का है इसको हमने सीधा ही बुनना है। अब यहाँ से पीछे से ही ऐसे करना है, जैसे जैसे दिखेगा वैसे वैसे ही हमने इसको बुनना है। ये वाला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और ये हमने जो उल्टे बुने थे उनको हम धागा पीछे करके सीधे बुनेंगे। फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर ये 4 फंदे जो उल्टे उधर बुने थे हमने, दो डिजाइन के, ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे, जो उधर से उल्टे होंगे उन्हें हम सीधे बुनेंगे, और जो उधर उल्टे होंगे सीधे होंगे उन्हें उल्टे बुनेंगे, उल्टों को सीधे। लास्ट के सीधे और इसको उल्टा ही बुनेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इस पहले वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और एक फंदा, ये धागा आगे करके एक फंदा बुनेंगे उल्टा, एक फंदा उल्टा। अब ये जो दोनों फंदे हैं, ये सीधा है ये उल्टा है, इनको हम ये इसको इधर से और उसको उधर से बुने जाएगा, मतलब इस वाले फंदे को पहले बुनेंगे और इसको बाद में बुनेंगे। तो या तो हम इसको निकाल के भी कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन हम निकालने के बजाय धागा पीछे करके पहले इस पीछे वाले फंदे को ही सीधा बुन लेंगे। पहले हम पीछे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो हमारा ये वाला फंदा इधर चला गया और वो वाला इधर आ गया। अब इस फंदे को हमने इधर लाना है, इसको ट्विस्ट करना है, तो हमने इस फंदे को पहले बुन लो, सीधा ही बुनना है इसको भी, और इसको अब बाद में इस आगे वाले फंदे को सीधा बुन लो। ऐसे ये हो गया। अब फिर धागा आगे करके ये उल्टा, ये फंदा भी उल्टा, और एक इस डिजाइन का भी फंदा, पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके इसी तरह से इस वाले फंदे को आगे की तरफ से बुन लो, उधर आप पहले बुन लो, पीछे वाले को पहले बुन लो आगे से और बाद में आगे वाला, और यहाँ से पीछे पीछे की तरफ से बुन लो, सीधा फंदा बुनना है। और
आगे फंदे, अगले फंदे को बाद में बुनो। तो ये हो गया, ये दोनों फंदे के ऐसे आ गया, ये इधर इधर इधर। अब फिर एक फंदा उल्टा इसका और एक फंदा अगले वाले डिजाइन का उल्टा, दो फंदे उल्टे, फिर धागा आगे करके पीछे करके पहले पिछले वाले फंदे को बुन लो, फिर आगे वाले फंदे को ऐसे ही, फिर पीछे से फिर अगला फंदा बुन लो, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और एक धागा पीछे करके लास्ट वाला सीधा। अब जैसे जैसे ये बुना है ऐसे ही इसको पीछे से बुनना है, सीधों को उल्टा और पीछे की सिलाई में और उल्टों को सीधा, जैसे जैसे बुनाई आएगी ऐसे ही। इसको स्लिप कर लिया, अब ये वाला फंदा हमने धागा पीछे करके सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा। अब ये फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, चार फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन और ये चार, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर ये दूसरे डिजाइन का भी है तो एक फंदा इसका भी सीधा, फिर धागा आगे करके चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, एक और एक ये दो, फिर धागा आगे करके चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा पीछे कर आगे करके उल्टा। ये देखो ये डिजाइन बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, ये छह लाइन की बुनाई है तो इसको हमने इसको सीधा ही स्लिप कर लेंगे, फिर हमने उल्टा नहीं करना है, धागा पीछे ही रखना है और हमने इस वाले फंदे को इधर लेना है। अब तो फिर इसको ऐसे ही बुनना है, इस फंदे को इधर और ये हमारी पूरी सिलाई सीधी ही आएगी। ये फंदा भी इधर आ गया। अब ये बीच वाले फंदे ऐसे ही बुन लेने हैं, दोनों सीधे बीच के फंदे ऐसे ही सीधे बुनने हैं। अब फिर ये वाला जो भी हमारा बन रहा है इस फंदे को फिर इधर लेना है, तो फिर पीछे की तरफ से लेना है, पीछे वाले फंदे को पहले बुनना है सीधा, फिर आगे वाले फंदे को बुनना है सीधा। फिर ये हो गया पूरा कंप्लीट डिजाइन। अब इस ये वाले को इधर लेना है तो इसको आगे से लेना है सीधा, पहले आगे पीछे वाला फंदा पहले सीधा बुना जाएगा, फिर अगला, फिर ये पीछे की तरफ से पीछे वाला फंदे को सीधा बुना जाएगा और फिर अगले फंदे को सीधा बुना जाएगा। फ्रेंड्स मैंने गलती से ये वाले को पहले कर दिया था, लेकिन इन वालों को सिंपल ही सीधे बुनना है। मैंने फिर वापस करा है, वापस दूसरे सिलाई में उधेड़ के लिया है। इन वाले बीच के फंदों को तो हमने एज इट इज ही सीधा बुनना है और फिर ये वी वाला वी शेप जो बन रहा है इस वाले फंदे को पीछे की तरफ से और फिर अगला फंदा, फिर इसको फंदा पीछे ही रखना है और फिर ये वाला फंदे को आगे बुन लेना है हमने, तो इसको पहले सीधा इसको पीछे वाले को आगे बुन लेंगे, फिर आगे वाले को सीधा बुनेंगे, फिर बीच के फंदे सीधे ही बुनेंगे दो, एक और दो, और अब ये वाला वी शेप का जो है इस वाले फंदे को इधर बुनेंगे और इसको इधर बुनेंगे, तो पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को पहले और फिर अगले फंदे को आगे से सीधा बुनेंगे, और ये हमारा सीधा ही बुनेगा ये वाला भी फंदा। ये हमारी पांचवी रो थी और अब हमारी लास्ट रो, ये हमारी सीधी सीधी बुनी गई है पांचवी रो, ये पूरी हमने सीधी ही बुनी है, बस ये जो वी शेप का इनको आगे पीछे ट्विस्ट किया है, बीच के फंदे एज इट इज सीधे बुने हैं। अब हमारी ये वाली लाइन पूरी हमारी उल्टी ही बुनी जाएगी, इसको स्लिप कर लेंगे और ऐसे ही उल्टी बुनी जाएगी, टोटल पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुनना है। ये 20 फंदों में हमने डिजाइन बनाया है, जब इसका स्वेटर बनेगा तो बहुत ही सुंदर स्वेटर बनेगा, आप बना के देखिए बहुत प्यारा लगेगा।
ये हमने कंप्लीट कर, ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और अब ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया है। जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था अब पहली रो वही बनानी है। ये देखो ये डिजाइन कितना प्यारा तैयार हुआ है हमारा, कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है। ऐसे ही बनाते जाना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर वो ऐसे ही स्टार्ट करना है, पहला फंदा ऐसे स्लिप करने हैं, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे, ऐसे ही करके बनाना है, दो सीधे दो उल्टे दो सीधे, इस तरह से ही दो उल्टे दो सीधे करके ही बनाना है। और फिर जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही ये पूरा पैटर्न छह लाइन की बुनाई है इतना, और ये कंप्लीट हो गया है। अब ये दूसरी शुरू होगी। मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।